कोल्ड कफ, चलिए जानते हैं कोल्ड कफ के सिम्टम्स, इसके कोज और इसे हम घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। कोल्ड कफ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इस मॉनसून की सीजन में। जब वेदर चेंजेस होता है तो कोल्ड कफ होना कॉमन है। इसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें रनी नोज, हेडेक, स्टफ नोज, फीवरिश होना, थ्रोट पेन, इरिटेशन, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें कोल्ड कफ में कॉमन है। पहला तो कोल्ड कफ आता तो इनिशियली ग्रेजुअली है, बट उसके बाद ये इन्फेक्शन स्टार्ट करता है। तो जब भी ये इनिशियल स्टेज में हो, हमें इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है। और हम इससे ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। वायरल फीवर या कोल्ड कफ बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक हो सकता है। जब भी ये बैक्टीरियल हो तो हमें मेडिसिन लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये वायरल इन्फेक्शन है तो ये 5 और 7 दिन में अपने आप से ठीक हो जाता है, बॉडी अपने इम्यूनिटी पावर से इसे ठीक कर देती है। ये एलर्जिक है तो हमें बचना चाहिए। जब भी हम एयर कंडीशनर रूम में हो तो हमें तुरंत हीट एक्सप्लोजर में नहीं आना है, और हमें वेदर चेंजेस हो तो अपने आप को बचाना है। अगर हम कोल्ड कफ को लाइटली लेते हैं तो ये आगे जाकर ईयर एक, ओटाइटिस मीडिया कर सकता है, साइनोसाइटिस कर सकता है, न्यूमोनिया, LRTI, वायरल फीवर, इन्फ्लुएंजा जैसी चीज़ें कर सकता है। तो हमें इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इसे घर में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पहला तो है वार्म वाटर पीना चालू करना चाहिए। हमें कोल्ड वाटर्स को अवॉइड करके वार्म वाटर पीना चाहिए, क्योंकि ये जो भी सिस्टम है उसको क्लींस करता है, टॉक्सिन को रिमूव करता है। और हमें इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि फ्रोजन फूड, कोल्ड फूड, मिल्क प्रोडक्ट, फ्राइड फूड, ये सारी चीज़ें कोल्ड कफ को बढ़ाती है। इससे हमें दूर रहना बहुत ही ज़रूरी है। और हमें स्टीम इन्हेलेशन करना है। स्टीम इन्हेलेशन दिन में 2 से 3 बार बहुत ही अच्छा है कोल्ड कफ को बचाने के लिए, क्योंकि स्टीम इन्हेलेशन करते हैं तब वार्म एयर हमारे एयरवे में जाती है और ये इसे क्लींस करने में और म्यूकस को स्मूथ करने में हेल्प करता है। हर्बल टी, हर्बल टी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, हमारे मेडिसिनल पावर भी इसमें अच्छा है। ये हमें कोल्ड कफ से बहुत ही बचाती है, जैसे कि जिंजर, ब्लैक पेपर, तुलसी, हल्दी, हनी, ये सारी चीज़ें एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीबॉडी बनाने में बूस्टिंग पावर देती है, सूदिंग इफेक्ट देती है। तो दिन में 2 से 3 बार हर्बल टी पीने से कोल्ड कफ से प्रिवेंशन कर सकते हैं और आगे भी इसके इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें हेल्प करती है। तीसरा है सोल्ट वाटर का गार्गलिंग करना, क्योंकि ये जो हमारे थ्रोट में म्यूकस है उसको लूज करता है और इससे बाहर निकालता है, जिससे कोल्ड कफ से हम जल्दी बच सकते हैं। सबसे लास्ट है स्लीपिंग। स्लीप ऐसी चीज़ है, जब भी हम सोते हैं हमारा बॉडी, हमारे जो बॉडी है वो क्लीन होता है, टॉक्सिन रिमूव करता है। तो स्लीप 6 to 8 आवर लेना बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने से हम कोल्ड कफ को राइजा से बच सकते हैं।